इंदौर के देवपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के शिलापट्ट पर वहां के वर्तमान का विधायक का नाम नहीं होने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। साथ ही विधायक के अपमान को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएफ ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है और कहा कि अधिकारियों के सामने ग्राम पंचायतों के छोटे बड़े काम के शिलान्यास पर वर्तमान विधायक और कांग्रेस के जनपद सदस्यों के नाम अंकित नहीं है। वहीं जो किसी संवैधानिक पथ पर नहीं है उनके नाम भाजपा सरकार डाल रही है। विरोध किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इसमें लोकतंत्र की हत्या और सरकार का पैसा और सरकार के एजेंट के रूप में सरकारी अधिकारी द्वारा काम करना, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और विरोध कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधि है, हमारे विधायक आदरणीय विशाल पटेल जी हैं, हमारी सब पंचायतों में सरपंचगण हैं जो कांग्रेस समर्थित जीते हैं, जिला पंचायत और जनपद के प्रतिनिधि जीते हैं जिनको मतदाताओं ने चुना है, उनका शिलालेख पर नाम नहीं देना ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। और सरकारी एजेंट के रूप में जो इसके रक्षा करने वाले हैं, कांग्रेस कमेटी से हमने सबसे पहले इसका विरोध किया था। और विरोध का कारण ये है कि विकास यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके सरकार गिराई। किसानों के 2-2 लाख का कर्ज कांग्रेस सरकार माफ कर रही थी, उन्होंने किसानों का कहीं ना कहीं तकलीफ दी। एक तो लोकतंत्र की हत्या की सरकार, दूसरा 2003 और 2004 में 20,000 करोड़ कर्ज था मध्य प्रदेश पे, इन्होंने उसमें विकास करके 4 लाख करोड़ की लगभग आज कर्ज मध्य प्रदेश पे कर दिया और हर नागरिक प्रति व्यक्ति आज 41,000 करोड़ के हजार के आसपास कर्ज प्रति व्यक्ति है। ये कौन सा विकास है इनका? आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है और साथ ही साथ शासकीय यात्रा अगर निकल रही है तो उसके